बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप दैट यू विल बी गुड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन आवर न्यू कोर्स एंड आवर सब्जेक्ट ऑन विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज ब्रेल कोर्स। ब्रेल कोर्स में हम चार चीज़ें करते हैं, उर्दू, इंग्लिश, मैथ और अरबी। तो पहले हम उर्दू ब्रेल से स्टार्ट करते हैं। उर्दू ब्रेल को हम करेंगे। ब्रेल क्या चीज़ है? ब्रेल सिस्टम उभरे हुए 6 नुकात पर मुश्तमिल है, ठीक है जी। ये नुकात 2 अंगूठी लाइनों पर मबनी है। अच्छा जी, तो इसकी हर लाइन मिलाना 3-3 नुकात होते हैं। इसकी हर लाइन में 3-3 नुकात हैं, ठीक है जी। जो हमारी बाएं हाथ पर जो नुकात होते हैं वो होते हैं 1-2-3, जबकि दाएं हाथ पर जो नुकात हैं वो हैं 4-5-6, ठीक है जी। ये हमारे बाएं हाथ के, ये दाएं हाथ के। बाएं हाथ पे 1-2-3, दाएं हाथ पे 4-5-6, इसको हम सेल भी कहते हैं, ठीक है जी। तो उर्दू ब्रेल को 2 तर्जुमों में तकसीम किया गया है, दर्जा अव्वल और दर्जा दो में। दर्जा अव्वल में हरूफ तहाजी, आदाद, अराब, रमूज औकाफ, निशानात मजमू, ठीक है जी। तो पहले हम हरूफ तहाजी करेंगे। उर्दू ब्रेल को हमेशा बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ पढ़ा जाता है, मतलब इस तरफ से इस तरफ पढ़ा जाता है। वो लिखते हैं इस तरफ से इस तरफ, ठीक है जी। तो हम हरूफ तहाजी करते हैं कुछ। अच्छा ये तो हरूफ तहाजी के कुछ हर्फ हम करते हैं। अलिफ मदा, अलिफ बे, पे, ते, ठे, से, जीम, चे, हे, खे। अच्छा जी, जो अलिफ मदा के डॉट्स हैं वो हैं 1-3-4-5 ठीक है। अलिफ के डॉट्स हैं 1, बे के डॉट्स हैं 1-2, पे के डॉट्स हैं 1-2-3-4, ठीक है जी। ते के डॉट हैं 2-3-4-5, अच्छा जी। ते के डॉट हमारे 2-3-4-5, टे के हैं 2-4-6, ठीक है जी। से के डॉट हमारे 1-4-5-6, ठीक है जी।
जी इनके हमारे डार्ट्स हैं 2, 4, 5। छः के डार्ट हैं 1, 4। ए के हमारे डार्ट्स हैं 1, 5, 6। अच्छा जी ए के डार्ट्स हैं हमारे 1, 5, 6। ए के हमारे डार्ट्स हैं 1, 3, 4, 6। ठीक है जी, इसको लिखने का तरीका ये है कि हम हर हर्फ के बाद एक खाना खाली छोड़ेंगे, ठीक है ना। हम अलिफ लिखेंगे तो उसके बाद एक खाना खाली छोड़ेंगे, उसके बाद बे लिखेंगे, ठीक है जी। ये मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमें लिखना है। ये हमारे पास है ब्रेल फ्रेम, ठीक है जी। इस पर आपने प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज की। ये सेल लिखे हुए हैं आप, ये मैं लिखा हूँ खोल के अंदर, ठीक है जी। ये आपको सेल नज़र आ रहे होंगे अच्छे, ठीक है जी। इस पे आपने पेज रखना है, पेज रख के यहाँ ऐसे बंद कर देना है। एक होता है हमारे पास स्टाइल जिससे हम लिखते हैं, ये हमारे पास स्टाइल है छोटा सा, इससे हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है जी। तो हम यहाँ अलिफ लिखेंगे, फिर ये सेल छोड़ के यहाँ बे लिखेंगे, ये सेल छोड़ के फिर यहाँ पे लिखेंगे। एक सेल छोड़ के हमने हर लफ लिखना है, ठीक है जी। अलिफ मदा के बाद एक हर्फ छोड़ के, फिर अलिफ, फिर एक खाना खाली छोड़ के बे, फिर एक खाना खाली छोड़ के फिर ऐसे हमने लिखना है। ये जी हमारे पास ब्रेल फ्रेम होता है, जिसमें हमने प्रैक्टिस करनी होती है, हमने अपनी राइटिंग स्पीड हमने इंक्रीज करनी होती है, रीडिंग भी हमने अपनी इंक्रीज करनी होती है, ठीक है जी। तो इसकी हम थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं कि इसको हम कैसे करते हैं, ठीक है जी। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि हमने अलिफ और बे कैसे लिखनी है। अलिफ जब हम लिखेंगे तो अलिफ पे हमारे पास डार्ट्स हैं 1, ठीक है जी। बे के मेरे डार्ट्स हैं 1, 2। यहाँ थोड़ा आपको नजर नहीं आ रहा, बे के हम डाल लिखेंगे 1, 2। ठीक है जी, ये हमारी हुई बे, ठीक है जी। तो अलिफ के बाद हमने एक सेल खाली छोड़ना है। तो नेक्स्ट हम खे से आगे करेंगे हरूफ़ ताजी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।